हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सुनहरा टापू और ये हिंदी की किताब से ली गई है। मेरे साथ है मरियम। हेलो मरियम, तो हेलो। हाँ आर यू एक्साइटेड टू रीड द स्टोरी? ये स्टोरी सुननी है आपको। कैसी स्टोरी है, क्या है इसमें? ओके, तो चलो देखिए। ये चीटी है क्या? ठीक है। ये क्या कह रही है? मछली पकड़ना समुद्री किनारे पर रहने वाले लोगों का मुख्य पेशा है। सो मरियम, मैं जो पढ़ रही हूँ उसे फॉलो करो, एक एक वर्ड को फॉलो करो, क्योंकि मैं जब ये स्टोरी पढ़ लूंगी मैं एक एक वर्ड पर कर्सर रखकर तुमसे पूछूंगी कि ये क्या है। तो ध्यान से देखो, मछली पकड़ना समुद्री किनारे पर रहने वाले लोगों का मुख्य पेशा है। व्हाट इज इट सेइंग? दैट द पीपल हु लिव बिसाइड्स द रिवर, देयर मेन ऑक्यूपेशन इज टू कैच फिश, और मछली उनके भोजन का मुख्य अंग है। एंड देयर मेन फूड इज फिश। केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में, खासकर चीन, जापान आदि से भी में भी ऐसा ही होता आ रहा है। सो दिस इज सेइंग दैट नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन चाइना एंड जापान द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज फिशिंग। चर्चा करें, व्हाट डज दिस मीन्स? डिस्कस। मछलियां कितने प्रकार की होती हैं? कितने प्रकार की होती है? हाउ मेनी टाइप्स? There are some bigs. There are also sunfishes. हिंदी में बोलो। मछलियां बहुत प्रकार की होती हैं, मछली बहुत प्रकार की होती है, कुछ जैसे बड़ी होती कुछ हैं। बड़ी होती है, कुछ छोटी होती है, कुछ फिश धूप धूप मछलियां होती है, कुछ फिश सी कुछ, लॉबस्टर्स भी होती है। हाँ, कुछ कुछ फ्रेश वाटर में रहती हैं और कुछ सी और ओशन में, सॉल्टी वाटर में रहती हैं। ओके, इन उनके सेवन से क्या क्या लाभ है? एंड दे आर व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग फिश? डू यू नो? आपको पता है यस, मछली में क्या होता है? प्रोटीन मछली में न्यूट्रिशन होता प्रोटीन है, होता है और पता है और मछली में इसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी होता है जो सिर्फ फिश में पाया जाता है, जैसे कि ओमेगा 3। तो ये अमाइनो एसिड सिर्फ फिश में, सो इट इज रिकमेंडेड, कहा जाता है कि वीक में एटलीस्ट एक बार मछली खाया करें। किस मछली में कौन सा विशेष गुण है? औषधि के रूप में किन मछलियों का प्रयोग किया जाता है? तो व्हाट आर द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच आर द कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज फिशेस, और आई मीन व्हाट आर द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज फिशेस? मतलब अलग अलग मछली का अलग अलग गुण है, दे हैव स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। सम फिश आर यूज्ड फॉर मेडिसिन्स, औषधि मतलब मेडिसिन्स, And some fishes are used for जैसे मैंने बताया eating. ओमेगा। यस, ओमेगा 3 जो है ना वो मछली में ही मिलता है। हम ऐसे उसको मछली खा ली, हमारे अंदर वो इसेंशियल एसिड्स आ गया, और जो मेडिसिन में भी इसका अमाइनो एसिड्स यूज करके वो मेडिसिन भी बनाया जाता है। अमेजिंग, राइट? That's a fun fact. साथ ही मछली पकड़ने के तरीकों से भी बच्चों को अवगत कराएं, और बताएं कि मछली भी अलग अलग तरीके से पकड़ा जाता है। कुछ बोट्स में जाके, ट्रेडिशनली बोट में जाती थी और अपना नेट नेट फैला देते थे। अब क्या है कि बड़ी बड़ी नेट्स भी आती है, वो रात में डाल देते हैं, सुबह करके देखे तो ढेर सारी मछलियां उसमें ऑलरेडी ट्रैप्ड रहती है। तो बहुत अब एडवांस भी हो गया है फिशिंग। हाँ, और जब रात में सोते हैं तो फिश तो डाउन एरिया में सोती है, जो नीचे सैंड होते हैं वहां सोती है, इसीलिए जब नेट को नीचे सैंड में रखे हैं तो लोग वहां फंस सकती है। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं? जीवन मूल्य, व्हाट आर द लेसन यू लर्न? अधिक लालच ना करना। द लेसन वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी इज दैट डोंट बी ग्रीडी। मिलजुल कर काम करना, सहायता करना तथा समस्या समाधान। सो यू शुड हेल्प ईच अदर एंड देन यू शुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स बाय नॉट योरसेल्फ, बाय कंसल्टेशन विद ईच अदर। ओके, सो यू शुड बी फ्रेंड्स एंड यू शुड नॉट बी ग्रीडी। तो देखो क्या हुआ यहाँ, ये क्या है? ये लोग मछुआरे हैं, ये बोट में बैठे हुए हैं। ओके, समुद्र, ध्यान दो, आप एक एक वर्ड पे ध्यान दो। समुद्र के किनारे एक गांव था। समुद्र के किनारे एक गांव था। देयर वाज अ विलेज बिसाइड्स अ बिसाइड रिवर, ऑफ रंगपट्टनम।
एंड द नेम ऑफ द विलेज वॉज रंगपट्टनम। उस गांव के मुखिया का नाम स्वामीनाथन था। उसके मुखिया मीन्स उसके लीडर, ठीक। उसका नाम क्या था? स्वामीनाथन था। उसके पास बहुत सी नावें थी। उसके पास क्या थी? बहुत सी नावें थी। ही हैड मेनी बोट्स। गांव के मछुआरे उसकी नावों से समुद्र में मछलियां पकड़ने का काम करते थे। तो द पीपल ऑफ द विलेज दे यूज टू हायर हिज बोट एंड देन दे वुड गो टू द रिवर एंड कैच फिश। उन मछलियों को स्वामीनाथन ले लेता था। एंड स्वामीनाथन हु ओन दिस बोट ही यूज टू टेक द फिशेस। वह मछुआरों को थोड़ी थोड़ी मछलियां दे देता और बाकी बची मछलियां उसके नौकर शहर में बेच आते थे। सो दिस पर्सन स्वामीनाथन ही यूज टू चेक द फिशेज दैट द फिशरमैन हैड कॉट एंड देन ही वुड गिव दिस फिशरमैन लिटिल फिशेज एंड देन द रेस्ट ऑफ द फिशेज हिज सर्वेंट वुड गो टू द मार्केट ऑफ द सिटी एंड ही वुड सेल इट। उसी एंड गांव गेट में मनी। यस उसी गांव में शैलू नाम की एक लड़की रहती थी। एक लड़की थी इन हिज विलेज। देयर वाज अ गर्ल हुज नेम वाज शैलू। वह अक्सर समुद्र के किनारे खेला करती थी एंड शी यूज्ड टू प्ले नियर द वाटर रिवर। यदि कोई मछली लहर के साथ तट पर ही रह जाती तो वह उसे उठाकर वापस समुद्र में डाल देती थी। शी यूज टू प्ले बिसाइड द रिवर एंड इफ शी वुड फाइंड सम फिश दैट हैड कम विद द सी वेव्स एंड हैड रिमेन बिहाइंड ऑन द सी शोर, शी वुड पिक इट अप एंड देन पुट इट बैक इन द रिवर। मछुआरों के जाल में भी एक विशेष जाति की मछली आ जाती तो वे उसे समुद्र में छोड़ देते। एंड नॉट ऑल द फिशेज आर ईटन, सो इफ देर वुड बी सम फिश दैट पीपल डू नॉट ईट देन दे वुड रिमूव दैट फिश। शैलू के पिता ने उसे बताया था कि वह मित्र मछली है। देन शैलूज फादर टोल्ड हर दैट दिस इज अ फ्रेंड फिश। रेयर फिश। वह खतरे में पड़े मनुष्य की सहायता करती है एंड इट हेल्प्स द पीपल हु आर इन डेंजर। एक दिन मछुआरे समुद्र में मछलियां पकड़ने गए थे। वन डे द फिशरमैन वेंट टू द सी टू फिश कैच ओके समुद्र समुद्र मीन्स सी, आई हैव बीन सेइंग रिवर बट इट इज सी, दैट्स नॉट, नदी इज कॉल्ड अ रिवर एंड समुद्र इज अ सी। सो एक दिन मछुआरे समुद्र में मछलियां पकड़ने गए थे। सो वन डे द फिशरमैन वेंट टू द सी टू कैच फिश। तभी तूफान आ गया एंड देन व्हाट केम? अ वेरी बिग वाइल्ड स्टॉर्म। तूफान, यस स्टॉर्म। सब मछुआरे वापस आ गए एंड ऑल द फिशरमैन केम बैक। पर शैलू के पिता वापस ना आए। बट शैलूज फादर डिडंट कम होम। सबने मान लिया कि वे समुद्र में ही डूब गए एंड एवरीबडी थॉट दैट शैलूज फादर हैज बीन ड्राउन्ड इन द ड्राउंड इन द ड्राउंड इन द वाटर। वाटर। शैलू समुद्र के किनारे बैठी रोती रहती थी। शैलू यूज्ड टू सिट बिसाइड द सी एंड क्राई। एक दिन शैलू समुद्र के किनारे बैठी जोर जोर से रो रही थी। वन डे शैलू वॉज सिटिंग बिसाइड द सी एंड देन शी वॉज क्राइंग लाउडली। अचानक एक आवाज आई एंड सडनली अ वॉइस केम, तुम क्यों रो रही हो? वाई आर यू क्राइंग? शैलू ने देखा कि समुद्र में मछली उससे पूछ रही है। शी सॉ दैट देयर इज अ फिश इन द सी हु इज आस्किंग दिस क्वेश्चन। मेरे पिता समुद्र में गए थे पर अभी तक नहीं लौटे। शी सेड दैट माय फादर वेंट टू द सी बट ही हैज नॉट कम बैक। रोते रोते शैलू ने कहा, शैलू वाज टेलिंग दिस व्हाइल शी वाज क्राइंग, मुझे मालूम है वे कहाँ हैं। द फिश सेड आई नो वेयर ही इज। मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें वहीं पहुंचा दूंगी। सिट इन माई बैक, आई विल टेक यू देयर। मछली ने उससे कहा, द फिश सेड टू शैलू। यह सुनकर शैलू खुशी से उछल पड़ी। हियरिंग दिस शैलू जंप विथ जॉय। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वह झट से मछली की पीठ पर बैठ गई। शी झट से मतलब जल्दी से मछली की पीठ पर बैठ गई। शी सैट ऑन द बैक ऑफ द फिश।
मछली पानी में तेजी से तैर रही थी एंड द फिश वॉज स्विमिंग फास्ट। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी एंड देयर वर ह्यूज वेव्स इन द सी। लेकिन वह मछली की पीठ से चिपकी रही, बट शी होल्ड द बैक ऑफ द फिश टाइट, लाइक शी स्टक टू हर बैक। समुद्री लहरें उसके ऊपर से निकल गई एंड द वेव्स पास ओवर हर। कुछ ही देर में मछली टापू के किनारे जा पहुंची एंड आफ्टर सम टाइम द फिश वेंट टू अ टापू। टापू मीन्स आइलैंड। नियर द आइलैंड द फिश वेंट नियर द आइलैंड और शालू से बोली एंड शी सेड टू शालू, इसी टापू पर तुम्हारे पिता हैं, योर फादर इज इन दिस आइलैंड, उन्हें ले आओ, गो एंड ब्रिंग हर हिम बैक, मैं तुम दोनों को वापस पहुंचा दूंगी, आई विल टेक बोथ ऑफ यू बैक। शैलू ने देखा कि पूरा टापू सुनहरा चमक रहा था। शैलू सॉ दैट होल आइलैंड वाज शाइनिंग ब्राइट गोल्डन, सुनहरा मींस गोल्डन। उसकी मिट्टी में सोना है, इस उसकी मिट्टी में सोना है, देयर इज अ गोल्ड, देयर इज गोल्ड इन इट्स सैंड। लेकिन टापू के चारों ओर समुद्र में तूफान आते रहने के कारण कोई टापू तक पहुंच नहीं पाता था, एंड बिकॉज देयर वाज ऑलवेज वेव्स नियर द आइलैंड, नोबडी कुड रीच दिस आइलैंड। कभी समुद्र शांत होता तो सुनहरा टापू दिखाई देता था, एंड समटाइम्स व्हेन देयर वाज नो वेव्स देन समटाइम्स दे कुड सी द आइलैंड, आइलैंड देन शी सॉ हर फादर। लुक, बादल शैलू टापू पर चली गई, शैलू वेंट टू द आइलैंड, वहां उसे उसके पिता बेहोशी की हालत में मिल गए, देयर शी सॉ हर फादर एंड ही वाज अनकॉन्शियस। शैलू ने उनके मुंह पर पानी छिड़का, शैलू ने उनके मुंह पर शैलू क्या की, ही पुट वाटर शी स्प्लैश्ड वाटर इन हिज इन फेस, तो वे होश में आ गए एंड ही गेन्ड हिज कॉन्शियसनेस। शैलू को देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए एंड सीइंग शैलू ही बिकेम वेरी हैप्पी। पिता ने सोने के कणों वाली मिट्टी कपड़े में बांधी और मित्र मछली की पीठ पर बैठकर दोनों वापस गांव आ गए। व्हाट डिड ही डू, ही टुक सम ऑफ द सैंड एंड देन ही टाइड इन हिज क्लोथ एंड देन दे बोथ ऑफ देम सैट ऑन द बैक ऑफ द फिश, मित्र मछली, एंड देन दे केम बैक टू देयर विलेज। शैलू के पिता को देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए, एवरीबडी बिकेम वेरी हैप्पी सीइंग फादर ऑफ शैलू। उन्होंने बताया कि तूफान में नाव डूब जाने के बाद समुद्र की लहरों ने उन्हें सुनहरे टापू पर पहुंचा दिया था। ही सेड दैट हिज बोट वाज ड्रोन एंड इट एंड ही एंड द वेव्स टुक हिम टू द आइलैंड। टापू पर सोना ही सोना था, एंड दिस गोल्ड एंड गोल्ड इन दैट टापू, ओनली गोल्ड, इट्स फिल ऑफ गोल्ड। शैलू के पिता ने सोना बेचकर बहुत सी नावें बनवा ली। शैलू शैलूज फादर ही सोल्ड दिस द गोल्ड दैट ही हैड ब्रॉट एंड ही मेड मेनी बोट्स, और सब मिलकर मछलियां पकड़ने लगे एंड ऑल ऑफ देम यूज्ड टू कैच द फिश। अब कोई स्वामीनाथन की नाव नहीं ले जाता था एंड नाउ नोबडी यूज्ड टू गो एंड आस्क स्वामीनाथन फॉर द बोट, बिकॉज स्वामीनाथन यूज्ड टू टेक मोस्ट ऑफ द फिशेस एंड यूज्ड टू सेल देम इन द सिटी। ओके टू एक गेट इन दिन मनी यस एक दिन स्वामीनाथन ने सोचा कि वह भी सुनहरी टापू पर जाकर सारा सोना ले आएगा। वन डे ही थॉट दैट ओके लेट मी आल्सो गो टू दैट आइलैंड एंड ब्रिंग ऑल द गोल्ड बैक। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, द पीपल ऑफ द विलेज दे टोल्ड नो डोंट गो देयर बिकॉज नोबडी इज एबल टू गो रीच देयर, पर वह नहीं माना, बट ही डिडंट अग्री। आखिरकार नाव लेकर वह सुनहरे टापू की ओर चल पड़ा। देन फाइनली ही टुक अ बोट एंड देन वेंट टुवर्ड्स द सुनहरा टापू द गोल्डन आइलैंड। वहां से कभी नहीं लौटा एंड ही नेवर केम बैक। गांव वालों ने शैलू के पिता को ही अपना मुखिया चुन लिया एंड द पीपल ऑफ द विलेज टुक शैलूज फादर एज देयर मुखिया एज देयर लीडर। लीडर सब मिलजुल कर काम करने लगे एंड एवरीबडी यूज टू वर्क टुगेदर, जिससे धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल हो गया एंड बिकॉज ऑफ दैट स्लोली द होल विलेज बिकेम वेरी प्रॉस्परस। ओके हैप्पी सो चलो अब मुझे बताओ, मैं जहां जहां कर्जर रख रही हूँ वो बताओ क्या है ये वर्ड, टापू टापू। वेरी गुड, ये क्या है?
क्या गांव वाले गांव वालों, हैं ये क्या है? गांव गांव वाले वो वालों। ओके, नहीं गलत ऐसी है मार्किंग मैं माफ कर रही हूँ, जिसे तुमको पढ़कर बताना है वो तुम्हें बताना है। ओके, ये क्या समुद्र है? वेरी गुड। ओके, ये क्या है? मछली शैलू। ये क्या है? वेरी गुड। ये क्या है? यस, झट यू आर डूइंग गुड। मैं तो ये क्या है? मछुआरे यस। एंड ये क्या है? आवाज आ वा झा आवाज। आवाज ये क्या है? ये क्या है? ता है ता। आवाज तू। तू तूफान यस। ये क्या है? वो बी बीशु विशेष विशेष। ओके, चलो अब हम शब्दार्थ करते हैं इसका। शब्दार्थ नीचे शब्दार्थ, शब्दार्थ मीन्स व्हाट इज द मीनिंग। समुद्र मतलब सागर, सी सी। मुखिया इट मीन्स हेड। हेडक्वार्टर मछुआरे, मछली पकड़ने वाले, फिशरमैन। मछुआरे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेड इज इट द मीनिंग हेडक्वार्टर नो। हेडक्वार्टर इज एन ऑफिस। ओके, एंड वी आर नॉट डूइंग क्वेश्चन आंसर, वी आर डूइंग द वोकैबुलरी। एंड टापू, टापू मीन्स द्वीप। द्वीप द्वीप बोलो। द्वीप, द्वीप पृथ्वी का वह भाग का द्वीप जो चारों ओर से जल से घिरा है। टेल टेल दिस अगेन। द्वीप, पृथ्वी पृथ्वी का वह का वह भाग भाग जो जो चारों चारों ओर ओर से से जल जल से से घिरा घिरा है। इट्स है ठीक एन आइलैंड। इट्स अ लैंड व्हिच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड। ओके, बेहोशी, बेहोशी, जिसे सुध बुध ना हो, जिसे सुदबुद ना हो अनकॉन्शियस अनकॉन्शियसनेस, जिसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेहोशी इन हिंदी? बेहोशी मीन्स दैट यू जिसे जिससे जिसे सुध बुध, जो सुबुद ना हो खुशहाल, खुशहाल वेल्थ संपन्न, संपत्त वेल टू खुशहाल। डू टेल इट थ्री टाइम्स। खुशहाल, संपन्न। खुशहाल संपत्त वेल टू डू ओके, सो वी हैव स्टडीड दिस चैप्टर एंड होप यू एंजॉयड द स्टोरी। इट्स सो मच फन आल्सो आई हैव अ फ्रेंड नेम जुनेरा एंड इट्स सुनहरा या, इट्स अ नाइस वर्ड। सुनहरा मीन्स गोल्डन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। See you in the next video. Subscribe to the channel, like the channel, and turn on the notification bell. Share this video to your friends. Till then, bye bye. See you in the next video. Bye bye.